Hello students, good morning to all of you. Welcome to all students in class 6. Dear students, आज हम आपका जो 12th chapter है electricity, उसको discuss करेंगे. तो electricity सभी जानते हैं क्या होती है, आपकी जो हिंदी में हम बोलते हैं बिजली. तो बिजली के बिना हमारी life बेकार है, क्योंकि बिजली की बहुत ज़्यादा importance है. कोई भी काम है हम हैं उसमें बिजली की नेसेसरी यानी कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है. जैसे कि आप लाइट, हमें लाइट के बिना दिखाई नहीं देगा. फैन है, फ्रिज है, आपका कूलर है, तो सभी के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है, हमें इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी इज ए वेरी क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसकी फॉर्म है एनर्जी की फॉर्म है इलेक्ट्रिसिटी. और इसका हमारे लिए यूजफुल कैसे है, हार्मफुल भी है. जैसे कि भी हमें करंट वगैरह लग जाता है इलेक्ट्रिसिटी, उससे इवन डेथ भी हो सकती है. तो ये हमारे लिए डेंजरस भी है. तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ हमारे लिए यूजफुल ही है, उससे कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं. तो ऐसे जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है, लेकिन मोस्टली हमारे लिए यूजफुल है. तो इलेक्ट्रिसिटी इज ए very clean form of energy. It is useful. कैसे है, क्यों है? Because it can be converted easily into various other form of energy, such as जैसे कि आपकी heat energy है, light energy है, sound energy है. तो सभी जिसकी form में आती है, किसके कारण आती है? हमारे electricity के कारण. ठीक है, it is useful because it can be converted easily into various other form of energy. ठीक है, उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल क्या है? इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस विच प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. विच प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट इज ए सोर्स ऑफ सेफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक जो शेल है, ये सेफ इलेक्ट्रिसिटी एक सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का. जो इलेक्ट्रिक सेल है, इट इज ए सोर्स ऑफ सेफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इसमें हमें करंट लगने का भय नहीं होता. इलेक्ट्रिक सेल कैसे होते हैं? जैसे हमारे पास बैटरी वगैरह का भी आपने सेल देखा होगा. ठीक है, इस पर क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल. क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल. और एक होता है इसका नेगेटिव टर्मिनल. दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल्स और नेगेटिव टर्मिनल्स. ये हमारे पास कोई क्या है? सेल. ठीक है, तो सेल क्या है? सोर्स ऑफ सेफ इलेक्ट्रिसिटी. उसके बाद आता है टॉर्च बल्ब. टॉर्च बल्ब क्या है? कि स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब विच प्रोड्यूस लाइट. कब लाइट प्रोड्यूस होगी? व्हेन ए टॉर्च इज स्विच ऑन. जब हम टॉर्च का स्विच ऑन करेंगे तभी तो लाइट प्रोड्यूस होगी. अगर टॉर्च का स्विच ऑफ है तो लाइट कैसे प्रोड्यूस हो सकती है? ठीक है, तो टॉर्च बल्ब क्या होता है? स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब होता है टॉर्च के अंदर. विच प्रोड्यूस लाइट, जो लाइट प्रोड्यूस करेगा वह कब? जब हम टॉर्च का स्विच ऑन करेंगे तब वो क्या करेगा? लाइट प्रोड्यूस. सभी ने देखी होगी, आपके घर में टॉर्च है तो उसके अंदर क्या होता है? एक बल्ब होता है. जब हम उस टॉर्च को ऑन करते हैं तो बल्ब ऑन होगा, जिससे हमें क्या मिलेगी? लाइट. अगर टॉर्च का हम स्विच ऑफ कर देंगे तो बल्ब भी क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाता है. ठीक है, तो लाइट प्रोड्यूस नहीं करता. तो टॉर्च बल्ब में स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब होता है विच प्रोड्यूस लाइट. जब प्रोड्यूस करेगा? जब टॉर्च का स्विच हम ऑन कर देते हैं. आगे समझो, तो इस कॉल्ड स्विच ऑन इज कॉल्ड टॉर्च बल्ब. ठीक है, उसके बाद आता है फिलामेंट. जो बल्ब है उसके अंदर क्या रहेगी? थिन वायर होती है. बल्ब के अंदर क्या रहती है? थिन वायर. सपोज दैट
ये जो थिन वायर्स है क्या है, ये वायर्स हैं और इनसे ये तार, तो ये जो रहेगा ये है फिलामेंट, ठीक है। और जब ये फिलामेंट ब्रेक हो जाए ये हमारे पास बोलता है क्या है, ये बल्ब, जो है
connection between the terminal cell and bulb. जब टर्मिनल सेल और बल्ब में गैप प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सेल, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फ्यूज बल्ब। फ्यूज बल्ब क्या है, बहन द फिलामेंट और ए बल्ब। हमने वहां भी बताया था कि जैसे कि बल्ब का फिलामेंट है जो टूट जाए तो बहन द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब गेट्स ब्रोकन द, तो उस बल्ब को क्या कहेंगे, द बल्ब इज सेड टू बी फ्यूज बल्ब, ठीक है। अगर किसी बल्ब का फिलामेंट टूट जाता है तो उस बल्ब को हम क्या कहेंगे, फ्यूज बल्ब, ओके। उसके बाद आता है आपका स्विच। स्विच क्या होता है, स्विच इज ए सिंपल डिवाइस। स्विच क्या है, सिंपल डिवाइस है विच इज यूज टू ओपन और क्लोज सर्किट, जिसका हम यूज किसमें करते हैं, ओपन करने के लिए कोई सर्किट और क्लोज करने के लिए सर्किट को हम किसका यूज करेंगे, स्विच का। जैसे कि हमें कोई बोलते हैं स्विच ऑन द लाइट, तो हम स्विच को क्या करेंगे, ऑन कर देते हैं। अगर स्विच ऑफ द लाइट, स्विच को ऑफ कर दो, तो स्विच क्या होता है, एक डिवाइस होती है विच इज यूज टू ओपन और क्लोज सर्किट, जो किसका काम करती है, स्विच जो किसका काम करेगी, सर्किट को ओपन करने का और उसको क्लोज करने का। ऐसे हम कह सकते हैं कि स्विच ऑन द फैन और स्विच ऑफ द फैन, तो पंखे को जैसे ऑन कर दो या ऑफ कर दो, तो उसमें हम किसका यूज करेंगे, स्विच का, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वेरी क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसका यूज हम कर रहे थे कन्वर्ट करने के लिए, इसमें हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी एक्सेट्रा। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक सेल था, इलेक्ट्रिक सेल क्या थे, डिवाइस थी जो प्रोड्यूस करेगी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो कह रहा है एक सोर्स है सेफ इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें करंट वगैरह लगने का कोई खतरा नहीं होता, ठीक है, सेफ है। उसके बाद हम देखिए टॉर्च बल्ब। टॉर्च बल्ब क्या था, स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब था जो क्या कर रहा है, लाइट प्रोड्यूस कर रहा है जब हम टॉर्च का स्विच क्या कर रहे थे, ऑन कर रहे थे, ठीक। उसके बाद आया था टर्मिनल जो था फिलामेंट। फिलामेंट्स क्या था, थिन वायर्स के बल्ब के अंदर, इनसाइड द बल्ब, उसको क्या बोला था हमने, फिलामेंट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट ओपन और क्लोज, अगर डायरेक्ट यानी कोई गैप नहीं है, नो गैप इन द कनेक्शन बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सेल एंड बल्ब, तो उसको हम बोलेंगे क्लोज, और अगर गैप प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे ओपन सर्किट, ठीक है। अगर गैप इन द कनेक्शन बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सेल वायर एंड बल्ब, तो उसको हमने बोला था ओपन सर्किट, और अगर कोई भी गैप प्रेजेंट नहीं है, नो गैप इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल वायर एंड बल्ब, तो उसको बोलेंगे हम कंप्लीट या क्लोज सर्किट, ठीक है। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, फ्यूज बल्ब किसको बोला था, अगर फिलामेंट सब ब्रेक हो जाता है, फिलामेंट्स क्या हो गया था, ब्रेक हो गया था, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, बल्ब गेट्स ब्रोकन और उसको हम बल्ब को क्या कहते हैं, फ्यूज हो गया ये बल्ब, ठीक। और स्विच का क्या मतलब है, सिंपल डिवाइस होती है जिसका हम यूज करते हैं ओपन और क्लोज सर्किट करने के लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंडक्टर।